आज लेक्चर नंबर 7 का पार्ट नंबर सी शुरू करेंगे. लेक्चर नंबर 7 का पार्ट नंबर सी शुरू करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स पढ़े थे और उसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस की थी, हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी कि किस तरह से प्रोफेशन को बोलते हैं. ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर. हम लोग ने इसकी प्रैक्टिस की थी, प्रोफेशन किस तरह बोलते हैं. आई एम एन अकाउंटेंट, ओके. आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम अ बार्बर, समझे. यू आर ए बार्बर, यू आर ए टीचर. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी प्रैक्टिस की थी. अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट सी में, सेवन लेसन के पार्ट सी में हम क्या ट्राई करेंगे कि किस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं. जो हमारे सामने चीज़ें रहती हैं उसको कैसा पूछते कि ये क्या है, ये क्या है, और बताना कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कैमरा है, ये फैन है, ये एसी है, और सो मैनी चीज़ें हमारे अराउंड में. वॉच है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये माउस है. तो ये सारी चीज़ें हमको इंग्लिश में बोलनी होती है. और इसको बोलने के लिए जिस तरह से हम नाम बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, आई वी यू ही शी और इट का यूज़ करते थे, शी का यूज़ करते थे, अब हम इट का भी यूज़ करेंगे. और उसके पहले कोई चीज़ को इशारे से बताने के लिए, कभी भी हम कोई भी चीज़ पूछते हैं तो इशारे से पूछते हैं, पॉइंट करके पूछते हैं कि ये क्या है, ऐसा पॉइंट करते हैं, ये क्या है या वो क्या है. तो जब हम किसी चीज़ को पॉइंट करके पूछते हैं ना, तो उसके लिए हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, दिस एंड दैट का यूज़ करते हैं. दिस मतलब ये और दैट मतलब, समझ में आया, दिस मतलब ये, दैट मतलब वो. दिस एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट भी एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. जैसे नज़दीक है उसके लिए बोलेंगे दिस इज अ टेबल, दूर है दैट इज अ एसी, दैट इज अ एसी, ये बोलेंगे. तो दिस नज़दीक के लिए और दैट दूर के लिए, ठीक है, समझ में आया. उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर चीज़ें ज़्यादा हो, यहाँ पे चेयर बहुत है, चेयर्स बहुत है, तो ये चेयर्स है बोलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दीज बोलेंगे. क्या बोलेंगे, दीज, दिस और दीज, ज का आवाज़ निकालेंगे. किसका आवाज़ निकालेंगे, ज का. दीज, दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स. वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, याद रखो प्लूरल में कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता. जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो आर्टिकल यूज़ नहीं करते, कभी कभार तक का यूज़ होता है, लेकिन ए और एन का यूज़ नहीं होता है, अ और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं होता प्लूरल में. तो दिस का प्लूरल क्या है, दीज, और दैट का प्लूरल, दोज. दिस का प्लूरल क्या है, दीज, और दैट का प्लूरल, दोज. उसी दिस का प्लूरल क्या है, दीज, और दैट का, दोज. दैट का, दोज. तो समझ में आया. इस पर थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस करते, लेकिन आगे जाने से पहले हम क्या करते, जो लेक्चर नंबर 7 का ए जो था जिसमें हम लोग ने प्रोफेशन बोले थे, उसकी थोड़ी सी पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते फिर आगे बढ़ते, ठीक है. तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले अपने देख लेते कि अपने प्रोफेशन क्या है. तो आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा पीछे जाके जो प्रोफेशंस हमने बताए थे, किस तरह से प्रोफेशंस बोले जाते हैं, इसका मैं डॉक्टर हूँ, वो इंजीनियर है, वो टीचर है, वो बार्बर है, या तुम अकाउंटेंट हो, तुम आर्किटेक्ट हो, तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी प्रैक्टिस किए थे. अब उसी को थोड़ा एक बार देख लेते हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं थोड़ा पीछे तरफ जाता हूँ और करते हैं, ठीक है. अब पहले है अकाउंटेंट, पहले है अकाउंटेंट, कौन है अकाउंटेंट. अभी हमको बनना है कि वो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट है, he is an accountant. मैं आपको क्या बता, आर्टिकल यूज करना, जो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ये वॉवेल है. हमारा अकाउंटेंट किससे शुरू हुआ है, वॉवेल से शुरू हुआ. वॉवेल कौन से है, A E I O U, कौन से वॉवेल्स हैं, A E I O U,
इससे कोई भी नाम जब शुरू होता है तो उसके पहले कौन सा चीज यूज करते हैं, आर्टिकल को यूज करते हैं। कभी कभार साउंड के हिसाब से यूज नहीं करते लेकिन उसको आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन एक रूल ध्यान में रखना है कि जब भी वॉवल से कोई नॉन शुरू हो जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके पहले एन यूज करेंगे आर्टिकल के हिसाब से। अब वो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट है, He is accountant. वो आर्किटेक्ट नहीं है, वो आर्किटेक्ट नहीं है, He is not an architect. Very good. वो एक्टर है, वो एक्टर है, He is an actor. वो प्लमर नहीं है, He is not a plumber. ठीक है, वो बार्बर है, He is a barber. वो सेल्समैन नहीं है, He is not a salesman. बोलो फिर, He is not a salesman. अभी क्या होगा कि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन है, सॉरी वो बिजनेसमैन है, He is a businessman. याद रखो ए ई आई ओ यू के साथ में एन आता है, बाकी किसी वर्ड के साथ में, किसी अल्फाबेट के साथ में क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। तो ध्यान में रखना कि हमारा जो नाम किससे शुरू होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। अभी वो बिजनेसमैन है, He is a businessman. वो टाइपिस्ट नहीं है, He is not a typist. ध्यान में रखो, he is not a typist. वो लड़की कुक है, वो लड़की कुक है, लड़की है, She is a cook. वो सेक्रेटरी नहीं है, She is not a secretary. प्रैक्टिस करो, she is not a secretary. समझ में आपको? मैं डॉक्टर हूँ. I am a doctor. मैं नर्स नहीं हूँ. I am not a nurse. तुम एक इंजीनियर हो. तुम एक इंजीनियर हो, इंजीनियर के पहले क्या आएगा, आर्टिकल। बोलो, यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो, तुम एक इलेक्ट्रिशियन नहीं हो, तुम एक इलेक्ट्रिशियन नहीं हो, एन इलेक्ट्रिशियन, you are not any. अभी हम फार्मर्स हैं. we are and farmers. ऐसा प्लूरल हो गया, जोर से बोलो, we are farmers. हम वेटर्स नहीं है, हम वेटर्स नहीं हैं, we are not waiters. हम जर्नलिस्ट्स हैं, we are journalists. हम वर्कर नहीं हैं, we are not workers. अभी थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्या वो लड़का अकाउंटेंट है? Is he an accountant? डबल डबल दो नहीं आएगा, एक ही आएगा। Is he an accountant? पूछो ऐसा कॉन्फिडेंस से, Is he an accountant? कॉन्फिडेंस से पूछो। हाँ वो अकाउंटेंट है, yes,
He is an accountant. क्या वो लड़का एक्टर है? क्या वो लड़का एक्टर है? Is he an actor? Yes. हम लोगों को नो में बोलना है. नहीं वो एक्टर नहीं है. No, he is not an actor. जोर से वापस से बोलो. He is not an actor. क्या वो लड़का बार्बर है? क्या वो लड़का बार्बर है? Is he a barber? क्या वो लड़का बार्बर है? Is he a barber? नहीं वो बार्बर नहीं है. No, he is not a barber. क्या वो लड़का बिजनेसमैन है? Is he a businessman? हाँ वो businessman है. Yes, he is a businessman. तुमने बोल रहे? Yes, he is a businessman. सबने बोलो. ठीक है. क्या वो लड़की cook है? Is she a cook? Is she a cook? क्या वो लड़की cook है? No, वो लड़की नहीं. वो लड़की cook नहीं है. नहीं वो लड़की cook नहीं है. No, she is not a cook. She is not a cook. क्या तुम इंजीनियर हो? Are you an engineer? क्या तुम इंजीनियर हो? Are you an engineer? क्या तुम इंजीनियर हो? Are you an engineer? नहीं मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ. सॉरी नहीं मैं इंजीनियर नहीं हूँ. नहीं मैं इंजीनियर नहीं हूँ. No, I am not an engineer. No, I am not an engineer. क्या तुम farmers हो? Are you farmers? क्या तुम farmers हो? नहीं हम waiters हैं. नहीं हम waiters हैं. We are waiters. क्या तुम जर्नलिस्ट हो? Are you journalist? Okay. नहीं हम जर्नलिस्ट नहीं है. We are not journalists. प्लूरल है. आर्टिकल नहीं आएगा. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किए थे. अभी कोशिश करते थोड़ा दिस और दैट पे चलते. किस पे चलते? दिस और दैट पे. अब ये समझ में आया तुमको ये चार्ट कैसा प्रैक्टिस करने का? ये चार्ट जब तुमको मिलेगा तो तुमको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. शुड डू प्रैक्टिस. ओके. और याद रखो व्हाट वी मिस. हम के लिए मिस करते हैं. प्लूरल में मिस करते हैं. और एन की जगह आ लगा देते. आ की जगह एन लगा देते. आर्टिकल पे फोकस करो. थोड़ा सा रूल है ध्यान रखना कि नाउन के पहले क्या है? वॉवेल है या नहीं. फिर आगे जाके और एक रूल अप्लाई होगा कि उसका साउंड क्या है. लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि नाउन के पहले नाउन किससे शुरू हो रहा है? वॉवेल से शुरू हो रहा है या नहीं. अगर नाउन वॉवेल से शुरू हो रहा है ए ई आई ओ यू से उसके पहले एन लगाएंगे. दूसरा रूल क्या? वो प्लूरल में नहीं होना चाहिए. किसमें नहीं होना चाहिए? प्लूरल में नहीं होना चाहिए. तब जाके एन लगेगा. ठीक है. अभी आगे पढ़ते हैं. दूसरे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग दिस और दैट कैसे बोलेंगे. ठीक है. अभी हम जाते हैं दिस और दैट पे. किस पे आ रहे? दिस और दैट. समझे? अब मैंने आपको बताया पहले शुरू में कि दिस मतलब ए, दैट मतलब ओ. दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोस. क्यों यूज करते हैं दिस? किसी चीज को पूछने के लिए या बताने के लिए कि ये टेबल है वो चेयर है.
वो एसी है, ये माउस है, ये बताने के लिए हम दीज और दैट का इस्तेमाल करते हैं। दीज दैट समझे ना, दीज एंड दोज आर डेमोंस्ट्रेटिव्स, डेमोंस्ट्रेटिव्स बोलते हैं इनको, मतलब जो इशारा करके बताते, जो डेमो करके बताते हैं, डेमो देते हैं ना हम, डेमो ऐसे जिस चीज को इशारा करके बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेमोंस्ट्रेटिव्स बोलते हैं। तो दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोंस्ट्रेटिव्स है, मतलब जो चीज इशारे से बताई जाती है, समझ में आता है, जो चीज तुमको इशारे से बताई जाती है। We use these, that, these and those to point. किसके लिए यूज करते हैं? To point to people and things. To point to people. Point करने पे आदमी के सामने इशारा करके बताने कि ये इरफान है, ये परवीन है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये समझे ना, ये माउस है, तो इस तरह से पॉइंट करने के लिए इशारा करते हैं। We also use them. हम कभी कभी इसको आगे लेके देखेंगे, इसको और यूज करते हैं as determiners. We also use them as determiners. Okay? मतलब किसी चीज को खास करने के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को क्या करने के लिए यूज किया जाता है, खास करने, जैसे कि this table. I want this table. I want this mouse. I want this mobile. अभी देखो this is a mobile नहीं बोला, बल्कि क्या बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आई वॉन्ट दिस मोबाइल, मतलब इशारा कर रहा हूँ, उसको बोल दे डिटरमिन करके बोलना कि ये यही चाहिए मेरे को, सिर्फ यही चाहिए, उसको बोल दे डिटरमिनर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज करना चाहिए। अभी कैसा मैंने आगे बताया था आपको, आगे चल के देखेंगे दिस एंड दैट किसके लिए यूज करते हैं, दिस एंड दैट यूज इन द सिंगुलर्स, यूज फॉर सिंगुलर, दिस एंड दैट यूज फॉर सिंगुलर्स, and these and those are used for plurals, समझे ना, they use in plurals, these and that use in singulars, these and that use in singulars, and these and those are used in plurals, समझ में। उसके साथ में अभी रूल कैसा है, be verb की तरह यूज कैसा करते हैं इसको, use with be verb, कैसा यूज करेंगे हम लोग, be verb के That के साथ में भी क्या आएगा और this के साथ में भी is आएगा, this के साथ में भी is आएगा और that के साथ में भी is आएगा, this is, that is, this is, that is, this is, that is, ये ध्यान में रखो। क्या रूल है, जैसे वहां पे कैसा रूल था, I am, you are, he is, she is, यहाँ पे am नहीं है, am हट गया इधर, am नहीं आएगा, खाली are और is ही आएगा, लेकिन that के साथ में और this के साथ में क्या आएगा, this के साथ में is, that के साथ में is, और these के साथ में are, दोस्त के साथ में आर, इसमें प्रेजेंट टेंस में, इसमें आएगा ये प्रेजेंट टेंस में, दिस के साथ में इज, दैट के साथ में इज, और दीस के साथ में आर, और दोस्त के साथ में आर, दीस के साथ में आर, प्लूरल के साथ में आर, आर दी टी एच ई एस ई, टी एच ई एस ई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समझे ना, बाद में हम लोग कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, दीस एंड दीस आर एंड दोज आर, दीस आर एंड दोज आर, पहले हम लोग क्या देखा कि दीस के साथ में इज, दैट के साथ में इज, और दीस के साथ में आर, और दोज के साथ में आर, इसको उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, अपोजिट करेंगे, उसका चेंज करेंगे प्लेस, इज को पहले लेंगे तो इज दिस होगा, दैट के पहले इज लेंगे तो इज दैट होगा, और आर को दीस के पहले लेंगे तो आर दीस होगा, दोस के पहले लेंगे तो आर दोस होगा, उसको पहली प्लेस पे लेके आएंगे तो आर दोस होगा। तो ये थोड़ी ध्यान में रखना जरूरी है, कैसा, दैट इज या दिस इज, इज दिस, दिस इज दिस, दैट इज दैट, दीस आर दिस, दोस आर दोस। अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, दिस इज उल्टा करो, इज दिस, दैट इज, दैट इज, इज दैट, दीज आर, आर दैट, दीज आर, आर दिस, दोज आर, आर दोज, दोज आर, आर दोज, दैट इज, दिस इज, इज दिस, इज दैट, दैट इज, Is this? This is. Are those? Those are. Are these? These are. These.
अब समझ में आ तुमको, इस तरह से ये रूल है, जैसे हम वहां पर रूल कौन सा अप्लाई कर रहे थे, आई एम, एम आई, आर यू, यू आर, तो अब ये रूल इधर अप्लाई हो रहा है। तो कोशिश करो इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए चलते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या बोलना है, सामने देखो, हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। आपको क्या कहना है कि ये चेयर है, ये एक चेयर है, ये एक चेयर है, तो कैसे बोलेंगे, ये एक चेयर है, दिस इज चेयर, दिस इज अ चेयर, एक चेयर है, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है, ये एक, हाँ, अब ये एक टेबल है, This is a table. ये एक डस्टर है, ये एक बुक है, ये एक बुक है, ये पेन है, ये एक पेन है, ये एक फैन है, ये एक एप्पल है, This is an apple. This is an apple. ऐसे शुरू है एप्पल, This is an apple. ये एक कार है, This is a car. ये एक कार है, ठीक है, और ये एक बस है, This is a bus. वापस से फिर हम लोग ट्राई करते हैं, एक बार फिर से शुरू करता हूँ मैं आपके साथ में, ठीक है। बोलो, ये एक चेयर है, This is a chair. ये एक टेबल है, This is a table. ये एक डस्टर है, This is a duster. ये एक बुक है, This is a book. ये एक पेन है, This is a pen. वो फैन है, वो एक फैन है, That is a fan. That is a fan. वो एक एप्पल है, This is an apple. That is a book. That is an apple. वो एक एप्पल है, वो एक कार है, That is a car. वो एक कार है, वो एक बस है, That is a bus. अभी अपोजिट में आते हैं, आपको अपोजिट में बोलना, नेगेटिव में बोलना, सॉरी अपोजिट में नहीं, नेगेटिव में बोलना, क्या बोलना है कि ये टेबल नहीं है, ये टेबल नहीं है, This is not a table. ये चेयर नहीं है, This is not a chair. ये पेन बॉक्स नहीं है, This is not a pen box. बोलो, This is not a pen box. ओके, ये नोटबुक नहीं है, This is not a notebook. ये पेंसिल नहीं है, This is not a pencil. वो एयर कंडीशनर नहीं है, That is not air conditioner. के पहले क्या आएगा, That is not an air conditioner. वो आम नहीं है, That is not an arm. That is not a mango. That is not a mango. Okay. फिर वो बस नहीं है, That is not a bus. वो बस नहीं है, That is not a bus. वो कार नहीं है, That is not a car. समझेगा, अभी बोलना ये सब चेयर्स है, These are tables. ये सब dusters है, These are dusters. ये सब books हैं, These are books. ये सब pens हैं, These are pens. Okay? These are pens. आगे चलते हैं. इस वो सब fan हैं. Those are fans. ठीक है? वो सब apples हैं. Those are apples. नहीं लगेगा है. वो सब cars है. Those are cars. वो सब buses है. Those are buses. अब negative में आते हैं. इसमें आते हैं? Negative. ये सब tables नहीं है. These are
Those are not tables. Those are not? Tables. ये सब tables नहीं हैं. ये बोल रहा हूँ मैं आपसे. वो नहीं बोल रहा. These are not tables. ये सब chairs नहीं हैं. These are not chairs. ये सब pen boxes नहीं हैं. These are not pen boxes. समझे? ये सब notebooks नहीं हैं. These are not pencils. ये सब air conditioners नहीं है. These are not air conditioners. Okay. या यहाँ पे बोलेंगे वो एयर कंडीशन नहीं है, वो एयर कंडीशनर्स नहीं है. Those are not air conditioners. वो एयर कंडीशनर्स नहीं है. वो सब मैंगोज नहीं है, वो सब आम नहीं है. Those are not buses. वो सब कार्स नहीं है. Those are not cars. अभी हम कोशिश करेंगे और क्या कोशिश करेंगे, इस पे क्वेश्चंस बताएंगे. जैसे ये चेयर है, दिस इज अ चेयर. यहाँ पे हमको क्या पूछेंगे, क्या ये चेयर है? Is this a chair? क्या ये टेबल है? Is this a table? क्या ये डस्टर है? Is this a duster? क्या ये बुक है? Is this a book? क्या ये पेन है? Is this a pen? क्या ये फैन है? Is this a fan? क्या वो फैन है? क्या वो फैन है? Is that a fan? क्या वो फैन है? क्या वो फैन है? क्या वो फैन है? क्वेश्चन करना है. क्या वो फैन है? Is that a fan? क्या वो फैन है? क्या वो फैन है? Is that a fan? क्या वो एक एप्पल है? Is that an apple? क्या वो एक एप्पल है? Is that an apple? क्या वो एक कार है? Is that a car? क्या वो एक बस है? Is that a bus? अभी प्लूरल पे आते हैं. These are chairs. मतलब ये सब चेयर्स है. अभी उसको बोलेंगे क्या ये सब चेयर्स है? Are these a chair? कैसे आएगा प्लूरल? आ नहीं आएगा. प्लूरल में आ कैसे नहीं आएगा? क्या ये सब चेयर्स है? Are these chairs? क्या ये सब डस्टर्स हैं? Are these dusters? क्या ये सब बुक्स हैं? Are these books? क्या ये सब पेन्स हैं? Are these pens? क्या ये सब, क्या वो सब फैंस हैं? Are those fans? क्या वो सब एप्पल्स हैं? Are those apples? क्या वो सब एप्पल्स हैं? Are those apples? क्या वो सब कार्स हैं? Are those cars? क्या वो सब बसेस हैं? Are those buses? आपको समझ में आया? कौन सी चीजें आपने अंदर पीछे जाके हम लोग अपने रूल पे आते हैं. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, दिस के साथ में इज आता है, दैट के साथ में
इज आएगा, दिस के साथ में इज प्रेजेंट टेंस की बात होगी, दिस के साथ में इज, दैट के साथ में इज, और जब प्लूरल होगा तो दिस का प्लूरल दीज होगा, क्या होगा दीज होगा, और दिस के साथ में आर आएगा, दीज आर, समझ में आया ना, इज दिस जैसे ना, दिस कैसे हमारा, दिस इज दैट इज, दिस इज दैट इज, फिर इज दिस, फिर उसके साथ में दिस का प्लूरल दीज, दिस का प्लूरल दीज, तो दिस आर दोज आर, दिस आर दोज आर, और क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, इज दिस इज का क्या होगा, this is का is this, और that is का is that, समझे, और these का these are का are these, और those are का are those, तो ये lesson अभी हम लोग complete कर चुके, कौन सा चीजों का, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम market में देखोगे, gardens में देखोगे, अपने अतराफ में देखोगे, आपके arounds में बहुत सारी चीजें, आपके घर में कितनी चीजें हैं, है ना, जैसे हमारी body की चीजें बतानी है, ये क्या है, ये क्या है, आपको बताना बहुत बॉडी पार्ट्स, आपको बताना ये क्या है, ये नोज है, ये आई है, समझे, ये सारी चीज को, ये लिप्स है, ये हैंड है, ये फिंगर्स है, ये थंब है, समझे, ये सारी चीजें आपको बताने की प्रैक्टिस करनी है घर पे। अब जितनी भी चीजें घर में आपके हैं इसे देखो और पूछो अपने आपको, व्हाट इज दिस, या इज दिस अ टेबल, व्हाट, तुम लोग किए नहीं डब्ल्यू एच क्वेश्चन अभी किए नहीं, नेक्स्ट लेसन में हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन ही होगा, एक लेसन के बाद हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन में भी आएंगे, हमने ना क्वेश्चन किए कंफर्मेशन का, भी वो क्वेश्चन किए, कैसे क्वेश्चन करो जाके, कैसे, क्या ये टेबल है, इज दिस अ टेबल, क्या ये ब्रूम है, क्या ये झाड़ू है, इज दिस अ ब्रूम, समझे, क्या ये गैस है, इज दिस अ गैस, गैस स्टोव है, इज दिस अ गैस स्टोव, तो ऐसी चीजें जितने भी घर में ना, यू हैव टू प्रैक्टिस, और यू हैव टू सी योर नोटबुक, यू हैव टू सी योर मोबाइल, आपको अपना मोबाइल देखना चाहिए, अपना नोटबुक रखना चाहिए, अपना तरफ में सारी 10-15-25 चीजें टेबल पर लाके रख दो और खुद से क्वेश्चन करो, इज दिस अ मोबाइल, यस दिस इज अ मोबाइल, इज दिस अ पेन, यस दिस इज अ पेन, आर दिस पेंसिल्स, आर दिस पेंसिल्स, यस दिस आर पेंसिल्स, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, तब जाके ये वर्ड्स आप, ये सेंटेंसेस बोल पाओगे, आपको वर्ड्स भी याद हो जाएगी, आपके वोकैबुलरी भी इम्प्रूव, तो लेसन नंबर 7 का 6, 7 का C यहाँ पे खत्म कर देंगे, और कल इसके बाद जो लेसन होगा उसमें हम लोग कोशिश क्या करेंगे, कौन से लेसन की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन की कोशिश करेंगे, मतलब ये टेबल मेरा है, ये पेन मेरा है, ये बुक तुम्हारी है, ये बुक वो लड़के की है, ये मोबाइल वो लड़के का है, तो हम लोग इसकी चीज कैसे बताएंगे कि ये चीज उसकी है, ये चीज मेरी है, वो लेसन नंबर 8 शुरू होगा अपना, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ओके।